पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर तो कब्जा किया ही हुआ है, इसके बाद पूरे कश्मीर को भी कब्जाने की उसकी इच्छा न जाने कितनी पुरानी थी, जो कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए करीब करीब पूरा महीना हो गया, लेकिन इनका उपद्रव है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही उपद्रव मचाया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तानी मूल के लोग चाहे जिस भी देश में हो, उनका कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से कश्मीर कब्जाने का सपना टूट गया है, जिस पर ओल जुलूल बयानबाजियों के अलावा कायराना हरकतों को भी अंजाम दिया जा रहा है। 15 अगस्त के बाद लंदन में एक बार फिर पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने भारतीयों को निशाना बनाने की कोशिश की है, भारतीय उच्चायोग पर हमला करके। भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग पर अंडे, टमाटर, जूते, पत्थर, स्मोक बम और बोतलें फेंकी गईं, जिससे उच्चायोग की बिल्डिंग की कई खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर हमले की जानकारी दी, लिखा है 3 सितंबर 2019 को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर एक और हिंसक विरोध प्रदर्शन, परिसर को नुकसान। माना जा रहा है कि इस उपद्रव के लिए पूरे इंग्लैंड से करीब 10,000 ब्रिटिश पाकिस्तानियों का झुंड लंदन पहुंचा था, जिसमें मूल रूप से ब्रिटिश पाकिस्तानी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मूल के ब्रिटिश नागरिकों की संख्या ज्यादा थी, जिनके मुताबिक वो कश्मीर में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जमा हुए और भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग को निशाना बनाया, जबकि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों ने जवाब में किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया। पाकिस्तानी उपद्रवियों ने अपने इस प्रदर्शन को कश्मीर फ्रीडम मार्च नाम दिया है, जो कि पार्लियामेंट स्क्वायर से शुरू होकर भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग तक पहुंचा और जमकर पत्थरबाजी की गई। मार्च का नेतृत्व यूके की लेबर पार्टी के कुछ सांसदों ने किया। पाकिस्तानी मूल के लंदन के मेयर सादिक खान ने घटना की आलोचना करते हुए ट्वीट किया, लिखा, मैं पूरी तरह से इस अस्वीकार्य व्यवहार की निंदा करता हूं। बता दें कि एक महीने में यह दूसरी बार है जब लंदन में पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया है। इससे पहले भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपद्रवियों ने उन भारतीय मूल के नागरिकों पर हमला कर दिया था जो शांतिपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। हाथों में खालिस्तानी और कश्मीरी झंडे लिए ब्रिटिश पाकिस्तानी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ब्रिटिश नागरिक और खालिस्तान समर्थक सिखों ने भारतीय मूल के लोगों पर अंडे, बोतलें, जूते और कई तरह के सामान फेंके थे। हमले से बचने के लिए महिला और बच्चों समेत कई लोगों को बिल्डिंग में शरण लेनी पड़ी थी। दंगे के काफी देर बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सुरक्षा मुहैया कराई थी। अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी मूल के लोग क्यों कश्मीर पर इस तरह से बौखला रहे हैं, ये तो भारत क्या पूरी दुनिया में किसी को समझ नहीं आ रहा। तभी तो चीन और तुर्की को छोड़कर अन्य कोई भी देश कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ नहीं, बल्कि भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।